हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी लगभग 11:30 बजने वाली है और मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, क्योंकि रोहित गांव से आ रहा है तो उसको लेने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। और दो दिन से यहाँ पर सिटी में पानी गिर रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी भी हल्की हल्की फुहार गिर रही है, जिसके कारण से नदी भी बहुत आई हुई है। चलिए नदी देख लेते हैं कि नदी कितनी नदी में कितना पानी है, कितना आया है, चलिए चल के देखते हैं। ये देखो भाई, कल जो देखा था कल से भी ज़्यादा पानी है आज नदी में। और कल मैंने जो मंदिर दिखाया था, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कल मंदिर के पीछे पानी नहीं था और आज मंदिर के पीछे भी पानी पहुंच गया है भाई। तो बहुत ज़्यादा पानी है, देख सकते हैं कितना बहाव हुआ है। और इस साइड भी पूरी नदी बह जा रही है, ये देखिए इधर, ये इस साइड जाती है रामघाट की तरफ और इधर आ रही है इंदौर तरफ से। बहुत सारे लोग पुल पर रुक के देख रहे हैं नदी कितनी आई हुई है, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये देखो भाई, उधर पूरे खेत है, पूरे खेत में फैल गई है और यहाँ अभी लगभग हम बीचों बीच है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इतना पानी है तो रामघाट पे और भी ज़्यादा पानी होगा। ये देखिए चारों तरफ नदी फैली हुई दिखाई दे रही है, कितना चौड़ा इसका पार्ट हो गया है बहने का। इसका रिकॉर्ड है, यानी कि इस बारिश में इतनी नदी कभी भी नहीं आई है। तो ये देखिए, ये बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो कि पूरे डूब चुके हैं। कल ये इतने नहीं दिखाई दे रहे थे, कल ये इससे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, यानी कि यहाँ पर और भी पानी का जल स्तर बढ़ गया है। और फाइनली देवास गेट बस स्टैंड पहुँच गया हूँ और रोहित की बस वो है शायद, तो मेरे को रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, वो भार्गव जो लिखा हुआ है, गाँव से आती है वो। तो रोहित मुझे मिल गया है, अब चलते हैं, थोड़ा मार्केट से कुछ सामान लेना है फिर घर चलेंगे। हम अभी है चामुंडा माता चौराह पर, देखिए यहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल है जो कि डांस करके किस तरह से एक ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जैन नमकीन से कुछ मिक्सचर और सेम लिए हैं। तो अभी हम टावर चौराहे पर है, जो कि बारिश के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई, वेदू ने आईफोन 13 ले लिया है, ये देखो, चल खोल के दिखा ना। खुलते ही नहीं। अरे ऐसे खुलता बट्टी, ऐसे, ओ माय गॉड, उठाओ हाथ में, आराम से, गिरा मत देना, है ना। अरे यार वेदू, तार से आईफोन नहीं उठ रहे यार। ले देखा पीछे से आगे से, ये आईफोन किसका है? है मेरा। चल ऐसे ऐसे कर दे, अब ऐसे हिला तो सही हाथ भी, फोन के नाम की तरफ देख के। तो देखो गाइस, वेदू ने आईफोन ले लिया है और आईफोन लेने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। एप्पल कहाँ है? एप्पल ये। तो गाइस अभी हम बैठे हैं और खा रहे हैं भजिए पकोड़े, ये देखिए वेदू भी खा रहा है। वेदू पहले सॉस लगाता है, फिर सेव लगाता है, फिर खा रहा है। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ ले रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए, तो आप लोगों को अब दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये मोबाइल मैंने लिया है, आईफोन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास अभी तक एंड्रॉइड ही था, लेकिन अब मैंने आईफोन लिया है कि शायद कैमरा क्वालिटी आप लोगों को बेटर देखने को मिलेगी, आप लोगों को वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो कल से जो व्लॉग आएगा आप लोगों को इम्प्रूव क्वालिटी में मिलेगा, क्योंकि मैं कल से इसमें शूट करूंगा। और ये देखिए वेदू का, ये किसका है वेदू? और ये देखो, ये रोहित का मोबाइल है, ये वेदू का है, ये वेदू के पापा का है, और ये मेरा, और एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एंड्रॉइड है। ये देखो गाइस, ये मेरा मोबाइल है, वेदू ले रहा है, क्या बोल रहा है, मेरा है। किसका मोबाइल है? किसका है? और ये किसका है भाई? कब्जा कर लिया इसने मेरे मोबाइल पे, मैंने लिया है वीडियो शूट करने के लिए, पर ये बोल रहा है कि मेरा है। और ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ गेम खेलेगा या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखेगा। ये किसका है?
ये मेरा है, छीन लूंगा भाई मैं, छीन लूंगा। रोबा लग जा, ठीक है हमें ही तो चलाना है। वेदू जब देखेगा तब देख लेगा, और बाकी टाइम वीडियो बनाएंगे। तो गाइस शाम की 7 बजी हुई है और हम लोग आए हुए हैं अभी रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी अहमदाबाद, क्योंकि वहां पर मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है। तो चलिए चलते हैं, अब आगे क्या होगा कल के ब्लॉग में देखना।